हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एयू बैंक के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 19 दिसंबर 2022 के लिए। चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले एयू बैंक में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के दिन मतलब फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें जो देखने मिला है एक नेगेटिव मूवमेंट, 0.29% का एक नेगेटिव क्लोजिंग है। क्लोजिंग यहाँ पे हुई है 667.05 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन मतलब मंडे के दिन क्या हो सकता है, जरूर जो हमारे ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं स्टॉक में आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, एवरेज से हमें वॉल्यूम जो देखने मिला, कैंडल एक यहाँ पे मीडियम टू स्मॉल साइज की बॉडी बनी है। ऊपर के समय बड़ी से यहाँ पे RSI हमारा 60-61 के आसपास जो है वो चल रहा है, जो यहाँ पे हमें जरूर नेगेटिव मोमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना RSI हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, तो करेंटली आने वाले दिनों के लिए स्टॉक में मेरा ओपिनियन यहाँ पे जरूर जो है एक नेगेटिव मोमेंट का एक्सपेक्टेड स्टॉक में डाउन साइड जो है वो 648 के आसपास जाते हुए देखने मिले। तो जरूर जब इसको ध्यान में रखते हुए चले, यहाँ पे जो है थोड़ा सा मोमेंट हमें जो एक्सपेक्टेड डाउन साइड का है, सबसे पहले 648 अगर उसको भी क्रॉस करते हुए गया तो स्टॉक में मूवमेंट जो है 635 तक आते हुए देखने मिल सकती है। तो यहाँ पे इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। बाकी ट्रेंड जो है स्टॉक में वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ट्रेंड में इंट्राडे में जितनी भी आपको जो है लॉन्ग के लिए मतलब बाइंग साइड के अपॉर्चुनिटी मिले तो उसी को आप ग्रैब करें, क्योंकि वहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है इंट्राडे में जरूर जो है यहाँ पे आपके फेवर में होगा, वहीं पे आपको प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। बाकी यहाँ पे आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स है वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है स्टॉक जो है यहाँ पे 651 के आसपास या फिर मैं कहूँ तो 650 के आसपास आए तो वहां पे आप जरूर बाइंग करें। वहां से आपको जो है 5-10% आपको अच्छा मूव जो देखने मिल जाएगा। लेकिन 650 पे ज्यादा बाइंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो है जिस तरह से हमने कहा कि आने वाले दिन हमारा थोड़ा सा नेगेटिव मोमेंट का जो है यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखें। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जब भी डाउनफॉल है तो वहां पे जो अपना कैपिटल जो है जब भी 3-5% का डाउनफॉल है तब भी आप जो है यहाँ पे एडिशनल जो है वो बाइंग कर सकते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म में आपको जो 5-10% का अपसाइड मूव जो देखने मिल जाए। 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर अगर मूवमेंट स्लो हुआ तो फास्ट मूवमेंट है तो 5 डेज के अंदर भी आते हुए देखने मिल सकता है। बाकी यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं आपको बात करूँ तो करंट प्राइस जो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। स्टॉक को मैं तो कहूँगा 607 के नीचे आते हुए का वेट करें। जैसे 607 क्रॉस हो वहाँ पे आप जरूर जो है बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखें 100% अपना कैपिटल ना डालें, 25% करके अपना कैपिटल डालें और फिर 10-20% का डाउनफॉल है तो वहाँ पे आप एडिशनल जो बाइंग कर सकते हैं। एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा आपके प्राइस को जो है यहाँ पे बाइंग प्राइस को एवरेज यहाँ पे अच्छा करने में और वहां से जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट भी देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में, बात करते हैं यहाँ पे कल के दिन हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आवर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस सारे के सारे मार्क्ड है, तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। सीधा मैं बात करता हूँ इसके क्लोजिंग की। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 667.05 पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट आता है 666.10 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 671.45 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर
कंफर्मेशन कैंडल को देखते हो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले। वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजोन, वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 660 का, उसके बाद कहते हैं 654 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजोन के बाद का अगला रेजोन आता है 676 का, उसके बाद कहते हैं 679 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजोन आपको बताए हैं, जरूर आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, स्टॉक में फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लेकर हूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में जरूर एक नेगेटिव मोमेंट है एक्सपेक्टेड है। स्टॉक हमें 660 से लेकर 666 रेंज में क्लोजिंग जो है देते हुए देखने मिलेगा। गैप डाउन ओपनिंग अगर 665 के आसपास हुई तो स्टॉक और भी जो है वो गिर सकता है, लेकिन ओवरऑल मंडे के दिन हमारी क्लोजिंग एक्सपेक्टेशन जरूर नेगेटिव साइड की है। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।